नहीं ऐ दिल, उन्हें हम अच्छे लगते हैं। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। समझ आती नहीं खालिक के सारे तमाशे की, किसी के मुस्कुराने से। मैंने आपको पैसे दिए थे ना पर्दों के लिए, कल दावत है, आज ही पर्दे लग जाएं तो बेहतर हो जाएगा ना। अहमद, अहमद यू अरेंजमेंट में कल प्रॉब्लम हो जाएगी। आप मुझे बता दें, आपने पर्दे अगर दे दिए हैं तो आई जस्ट कॉल देम अप, मैं खुद ही सॉर्ट आउट कर लूंगी। आप मुझे जस्ट अहमद जस्ट लेट मी नो प्लीज। बर्दाश्त नहीं हो रही ना मेरी शोहरत, कोई और होती तो अपनी शोहर की किस्मत पे खुश होती, रश करती अपनी किस्मत पे कि वो शख्स जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग तड़पते हैं, एक मिसरे पे लोग कुर्बान हो जाते हैं, वो उसकी दस्तरस में। और तुम क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, व्हाट आर यू। बर्दाश्त नहीं होता ना खूबसूरत औरतें तो वो मेरे साथ बैठे। अहमद, मैं आपसे पर्दों के पैसों के बारे में। पैसा पैसा पैसा, सब कुछ तुम्हारे लिए पैसे ही है। अरे किसी से ये रुपल्ली लेकर तुम्हारे मुंह पर फेंकूंगा। मुझसे हिसाब ले रही हो तुम, अहमद जरियाब से हिसाब लोगी तुम। ये तुम जैसी औरतें होती हैं जो अपने शोहर को रिश्वत लेने पर मजबूर करती हैं, हराम खाने पर मजबूर करती हैं। तुम्हारी जैसी औरतें होती हैं जिनके लिए पैसा खुदा है, तुम्हारी जैसी औरतें। वो पैसे मैंने आपको दिए थे। कर दी ना छोटी बात, दिखा दी ना अपनी औकात। ये जिताना चाहती हो कि तुम कमाती हो और जैसे तुम्हारा शौहर तो कुछ करता ही नहीं। मैं यही सोच रहा था कि तुम्हारा जर कब जवाब देगा। बहुत गरूर है तुम्हें अपने पैसों पर, तो मैंने पैसे उड़ा दिए। नहीं है मेरे पास पैसे, ये लगवा लेना पर्दे वर्दे कहीं से भी। अपनी मां से कह देना कर्टन पैलेस जी। वो मेरा जो पर्दों का ऑर्डर था, बिल्कुल बिल्कुल, आप वो पर्दे प्लीज घर पे ही, नहीं आज रात को ही घर पे ही पहुंचा दें, मैं यहीं पे पेमेंट कर दूंगी। थैंक यू, शुक्रिया।